नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये बुक दोस्तों टॉपर से इस बुक को प्रिफर करते हैं और ये एसएससी का लेटेस्ट एडिशन है, बहुत ही फेमस बुक है एसएससी का ये किरण प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मार्च 2023 तक इस बुक में अप टू डेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 14,300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। और एसएससी के सारे एग्जाम के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे पूरी तरह से संशोधित किया गया है। सारा कुछ अप टू डेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। एसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, टीसीएस के द्वारा, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में सम्मिलित किया गया है। जैसे देखिएगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीपीओ सीएचएसएल स्टेनोग्राफर एमटीएस एफसीआई सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन का ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको बुक मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो दोनों लिंक मैंने दे दिया, इंग्लिश वाली बुक का भी दे दिया, हिंदी वाली बुक का भी दे दिया। मेरे पास अभी हिंदी एडिशन है, इंग्लिश एडिशन का भी लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा क्योंकि किरण पब्लिकेशन के बुक जो दोस्तों होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बुक होते हैं किरण पब्लिकेशन के। अब दोस्तों इस बुक में अगर आप देखें तो कुल मिला के आपको 22 अध्याय दिया गया और सभी अध्याय का फ्री में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों, इस बुक का एमआरपी दोस्तों देख लीजिएगा 655 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। नंबर ऑफ पेज अगर देखें तो नंबर ऑफ पेज आपको 824 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इस बुक के कंटेंट को देखते हैं, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक कूपन आपको देखने को मिलेगा जिसको आप स्क्रैच कीजिएगा तो इससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ प्रैक्टिस है के लिए आपको मतलब स्टेप्स बताया गया कि कैसे इस कूपन को यूज़ करना है, ठीक है। अब इस बुक में आपको 17,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को विश्लेषण करने के बाद ये बुक आपके सामने लॉन्च किया गया है और इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14,300 प्लस में टीसीएस वाले क्वेश्चन इस बुक में सम्मिलित किए गए हैं। बुक के क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। प्रैक्टिस से जो 22 के 22 चैप्टर है उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, जिसमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, कांस्टेबल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएससी का एक बुक आता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी पर आधारित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों एसएससी सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और 15,500 से ज़्यादा क्वेश्चन मार्च 2023 तक इस बुक में क्वेश्चन को अपडेट किया गया, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिएगा 655 रुपये इस बुक का एमआरपी है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और यहाँ एसएससी किरण पब्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, इनको चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, हर एक एग्जाम को इन्होंने क्या किया, एनालाइज किया हुआ है कि जैसे यहाँ देखिएगा सही जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन सा एग्जाम होता है, तो सीजीएल होता है, दिल्ली पुलिस का एसआई होता है, एफसीआई का एग्जाम होता है, ये सभी ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 लेवल पर जो होता है सीएचएसएल का एग्जाम होता है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी लोअर एलडीसी हो गया, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा मैट्रिक लेवल हो जाएगा, मैट्रिक लेवल में केवल एमडीएस का एग्जाम होता है और जीडी कांस्टेबल होता है और सारे एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में इन्होंने शुरुआत में ही बता दिया है कि कैसे एग्जाम पैटर्न होते हैं, कितने क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, टीयर 1 टीयर 2 में क्या सिचुएशन रहता है, सारा कुछ इन्होंने बता दिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बार ग्राफ से सारा कुछ समझाया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है बार ग्राफ से, और टोटल 22 अध्याय है और हर एक अध्याय में कितने क्वेश्चन है वो सब इन्होंने बताया हुआ है। जैसे देखिएगा चैप्टर 1 में 1741 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारा कुछ इन्होंने हाईलाइट किया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ बताया हुआ है, तो इससे आप इस जो बार ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना, तैयार करना है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे, यहाँ दोस्तों देखिएगा एक पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पाई चार्ट में आपको बताया गया है कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो मुझे दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे
10% है चैप्टर वन, मतलब चैप्टर वन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिएगा जो पहला अध्याय है, जैसे प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा 22% 24% जो क्वेश्चन है वो टाइप फाइव से पूछे जा रहे हैं, तो टाइप फाइव बच्चे पहले तैयार करेंगे, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप देखिएगा मध्यकालीन भारत से टाइप टू से 52% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सारे टाइप को ना करके केवल टाइप टू को कीजिएगा, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मिलित किया गया है इस बुक के अंदर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम वाइज, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिएगा ये जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल वाले सारे एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे देखिएगा SSC CGL टीयर 1 2014 का एग्ज़ाम है, और यहाँ लास्ट में देखिएगा SSC CGL टीयर 2 7/3/2023 का एग्ज़ाम है जो अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दे दिया है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। यहाँ एवरेज क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितना पूछा गया, इन सभी का एवरेज भी निकाल के बता दिया गया है। अब देखिए इससे आप तैयार कैसे कीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री हो गया 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहा है, इंडियन हिस्ट्री से आ रहा है, इकोनॉमी से आ रहा है, तो इन सबको आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम वाइज। जैसे देखिए टीयर टू में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो कंप्यूटर IT से 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये तो 20 नंबर का था ही। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं 4 क्वेश्चन, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होने वाला है। और ये जहाँ स्टार बना हुआ है वो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा ये CHSL हो गया या 10+2 लेवल का एग्जाम हो गया, इसका भी एक विश्लेषण आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से विश्लेषण दिया होता है किरण पब्लिकेशन के बुक में। प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी इस बुक का काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम विषय सूची की तरफ चलते हैं, तो विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें प्रश्नों की संख्या 622 है, 239 प्लस में 383 यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार वाले जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन उपलब्ध है, मतलब 383 क्वेश्चन क्या है ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास है 481 क्वेश्चन, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है 933 क्वेश्चन, और हर एक टाइप को बताया गया है कि टाइप वन किस टॉपिक पर आधारित है, टाइप टू किस टॉपिक पर आधारित है, हर एक टाइप को एक्सप्लेन किया गया काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और टाइप मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अध्याय है विश्व का इतिहास है, प्रश्नों की संख्या 213, कला एवं संस्कृति 761, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद यह दोस्तों देखिएगा भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान 1704, भौतिक भूगोल 733 है, भारत का भूगोल 1432 है, विश्व का भूगोल 306, अर्थशास्त्र 1727 है, उसके बाद 1070 हो जाएगा भौतिक विज्ञान हो जाएगा, रसायन विज्ञान हो जाएगा 1216 हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा 1919 हो जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर हो जाएगा 1210 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखने को मिलेगा आविष्कार एवं आविष्कारक 220 क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 171 क्वेश्चन, पुरस्कार एवं सम्मान 631 क्वेश्चन, पुस्तक एवं लेखन 456 क्वेश्चन, उसके बाद महत्वपूर्ण दशक एवं वर्ष दिवस 84 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन 184 क्वेश्चन, खेलकूद 901 क्वेश्चन, राष्ट्रीय घटनाक्रम 704 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ 201 क्वेश्चन, मिसलेनियस आपको 473 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, 7471 क्वेश्चन प्लस में 10911 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, टोटल 18382 क्वेश्चन इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। डेली करंट अफेयर आपको देखना है तो इनका ये वेबसाइट है currentaffairhunt.com, इस पर आप ऑनलाइन जाके डेली करंट अफेयर स्टडी कर सकते हो। अब दोस्तों आप देखेंगे भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले खंड ए में प्राचीन भारत का इतिहास, प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम आपको बेहतर देखने को मिलेगा। देखिए टाइप वन में सबसे पहले 2011 का क्वेश्चन है, ये ईयर वाइज क्वेश्चन देते हैं, जैसे इन्होंने इस बार हाईलाइट ये किया हुआ है ना कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर दिया है, ये TCS में पूछा गया क्वेश्चन है 20/3/2018, तो ये एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा जो कि मुझे किरण पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा लगता है कि न्यू क्वेश्चन देखना ना तो अंतिम में चले जाइए, आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ये ग्रीन कलर से जो भी आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ये अभी वाले क्वेश्चन है 12/1/2023 है, और ये
2/3/2023 जैसे पूछा गया है, ये सीजीएल टीयर टू में मेंस में पूछा गया है कि भीम बेटे का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस स्थान पे है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हर एक टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। जो रेड कलर से है वो पुराने क्वेश्चन है, कुछ मतलब एक साल पुराने क्वेश्चन हो गए, और जो भी ग्रीन कलर से आपको हाईलाइटेड जैसे यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो ये अभी वाले क्वेश्चन है, 10/1/2023, 11/1/2023 और 13/1/2023, ठीक है। तो टाइप वाइज आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक सीक्वेंस में अरेंज क्वेश्चन को किया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सारे टाइप खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा ये आंसर की देखने को मिल जाएगा हर एक टाइप का, और उसके बाद आपको टाइप वाइज एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और सारा कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा और हाईलाइट किया गया है, यहाँ देखिए कुछ चारों ऑप्शन को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। ये नए वाले क्वेश्चन होंगे, इनको हाईलाइट किया गया, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है, ठीक है। इस बुक को दोस्तों लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे यहाँ देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको इन्होंने क्या किया ना, हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ से उठा के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, शिशुनाग वंश ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ना कि शिशुनाग वंश का पहले का राजधानी क्या था, बाद का राजधानी क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट कर दिया जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो सके, और इनके एक्सप्लेनेशन से, इनके सॉल्यूशन से भी आप काफ़ी कुछ तैयार कर सकते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस बुक को अगर आप कर लेते हैं तो और कोई बुक आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ को बताया गया है। इस बुक का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, मध्यकालीन भारत दोस्तों देख सकते हैं, उसी तरह टाइप वाइज आपको देखने को मिलेगा। 2018 जो भी हाईलाइटेड किए गए वो TCS वाले क्वेश्चन है, ठीक है, TCS के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। जैसे यहाँ दोस्तों देखिएगा, परीक्षा 6/3/2023 हो गया, 3/3/2023 हो गया, 2/3/2023 हो गया, तो ये सभी क्वेश्चन TCS के एग्जाम में पूछे गए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, ठीक है। और ये बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बुक बहुत प्यारा सा बुक लग रहा है मुझे और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बुक है। अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ दिखाया गया कि 1997 से 2010 के प्रश्न ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है, GK GS सारा कुछ कवर किया गया है दोस्तों। देखिएगा ये साइंस वाला पोर्शन होगा और साइंस वाले पोर्शन में जहाँ फिगर की ज़रूरत है वहाँ सॉल्यूशन में फिगर भी आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस वाले क्वेश्चन को भी कवर किया गया है, सारा कुछ है, मतलब जो भी SSC एग्जाम करवाते हैं ना उन सभी क्वेश्चन को इस बुक में शामिल किया गया है फिगर के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्यूटर को भी समझाया गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा दोस्तों होता है किरण पब्लिकेशन का। इस बुक को आप लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है, ठीक है ना। प्रिंटिंग क्वालिटी आपके सामने होगा दोस्तों, पेपर क्वालिटी इस बार काफ़ी अच्छा है आपको देखने को मिलेगा और बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस बुक को अगर आपको परचेज करना होगा तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किरण पब्लिकेशन को और भी बुक आते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, तो ये सभी बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल मिल जाएंगे। खान सर के ये कुछ बुक आते हैं, सार संग्रह होते हैं NCERT के, इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, न्यूमेरिकल सार संग्रह, एग्जाम वाइज SSC रेलवे सारे एग्जाम के लिए सार संग्रह आता है इनका, काफ़ी अच्छा बुक आता है। और अगर हम देखें दोस्तों एक और बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामान्य अध्ययन का बुक आता है, सामान्य विज्ञान का बुक आता है और भारत का मानचित्र आता है, ये तीनों बुक भी SSC के काफ़ी ज़्यादा फेमस है बुक है, ठीक है ना। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं अंत में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, इंक्लूडिंग TCS का क्वेश्चन इस बार इंक्लूड किया गया है, तो ये चीज़ आप दोस्तों देख लीजिएगा। और बुक परचेज करते समय आप बुक के कोड को ध्यान में रखिएगा, बुक का कोड आप दोस्तों देख लीजिएगा 4215, अगर इस कोड का ही बुक आपको परचेज करना है, यही आपका लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है ना। और भी मन में आपके कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।